हम आपको जंगलों के बीच सिंह गर्जना आसन और डागी आसन मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमें सिंह गर्जना और डागी आसन करेंगे तो हमें क्या लाभ मिलेगा। और इन जंगलों के बीच में ये देखिए, जंगल का वातावरण देखिए, ये हल्की सी गुफा जैसी छोटी सी गुफा है जहां मैं आपको बैठ के सिंह गर्जना आसन और डागी आसन आपको दिखा रही हूं। तो चलिए, हम ज्यादा समय न लेते हुए आपका हम सिंह गर्जना और डागी आसन कैसे करें, पोज कैसे हो। आपको ये नहीं ध्यान रखना कि हमें बहुत स्पेशल जगह जानी है, स्पेशल जगह करेंगे तो हमें लाभ ज्यादा मिलेगा, कहीं कुछ नहीं। आप घर पे अपने बागवानी में, अपने किचन गार्डन में, कहीं पार्क में, कहीं साफ सुथरी स्थान पे आप बैठ के आप करें और अनुभव करें कि हमें नेचर से, जो प्रकृति का नेचर है, हमें उससे जुड़ना चाहिए। तो चलिए, अब ज्यादा समय न लेते हुए अभी हम मैं आपको डॉगी आसन बनाने जा रही हूँ कि डॉगी आसन हम कैसे करें, किस प्रकार से करें कि हमें लाभ होता है। और जो बच्चे हकलाते हैं, तुतलाते हैं, या किसी प्रकार की आवाज में उनको दिक्कत होती है या श्वसन तंत्र में प्रॉब्लम होती है, सिंह गर्जना और डॉगी आसन उनके लिए बहुत ही लाभकारी आसन होते हैं। अब हमें शोल्डर के बराबर लेग में गैप देते हैं हम, और हैंड का पंजा हमारा ऐसे होना चाहिए इस प्रकार से, और टंग को हमें बाहर निकालना चाहिए ऐसे। जितना आप टंग को बाहर निकालेंगे और टंग को आप खींचेंगे जिस प्रकार से डागी करते हैं, तो हमें उसी प्रकार से करना है। डागी के समान, आप पशु के समान, आप जितना पशु पक्षी बनकर अपने आप को जीवित रखेंगे उतना ही आप स्वस्थ रहेंगे। चलिए, अब हम डागी आसन करते हैं इस प्रकार से, ऐसे। ये देखिए डागी आसन, ऐसे टंग को हमने बाहर निकाला और आवाज निकालनी है ऐसे। आप जितना तेज आवाज निकालेंगे उतना ही आपका श्वसन तंत्र आपका स्वस्थ होगा। चलिए, मैं वन बार और करके आपको बताती हूं इस प्रकार से। ये देखिए, आप इसे 10 बार, आप 5 बार भी करेंगे तो भी लाभ मिलेगा। जब आपका गला सूखे तो थोड़ा सा गुनगुना का पानी करके आप जरूर पी लीजिए। और जिनको बीपी की प्रॉब्लम है तो वो नमक न डालें और नॉर्मल गुनगुना करें। जिन्हें नहीं है, थोड़ा सा नमक डाल के पी लेंगे तो उनके गले की खराश मिट जाएगी। तो अब हम चलिए आपको, अब हम शेर के समान सिंह गर्जना, हकलाने और तुतलाने बच्चों के लिए, आपके श्वसन तंत्र के लिए, आपके 5 इंद्रियों के लिए, कहने के लिए है, सिर्फ है कि हकलाने और तुतलाने के लिए। लेकिन आपकी हाई बीपी, लो बीपी, डायबिटीज, ब्लड सर्कुलेशन आपका इससे अच्छा होता है। सिंह गर्जना, सिंह के समान हम गर्जेंगे और आवाज को हम निकालेंगे इस प्रकार से। शोल्डर के बराबर लेग होगा, पहले हम नॉर्मल करते हैं इस प्रकार से ऐसे। और हमें नाभि को कोशिश करें, जो आपका नाभि है, जो आपका मणिपुर चक्र है, हमें उसे देखना है इस प्रकार से ऐसे। देखिए ऐसे ऐसे हमने इनहेल जितना टंग को बाहर निकालेंगे, जितनी आवाज आप निकालेंगे शेर के समान, आप उतना ही आपकी अच्छी एक्सरसाइज होगी। चलिए, 1 बार और। ये तो हमने नॉर्मल कर लिया, अब हमें हैंड को इस प्रकार से करना ऐसे। जब शेर जंगल में रहता है तो पहले नॉर्मल इतना सर निकालता है, जब अपने शिकार पे जाता है तो धीरे धीरे मुंडी को ऊपर करता है, फिर अचानक से इस प्रकार करके वो झपट्टा मारता है, फिर अपना वो शिकार करता है। तो हमें उसी प्रकार करना है। इस प्रकार से भी हम करते हैं, ऐसे हमारा हैंड का पंजा होता है, इस प्रकार से भी होता है और ऐसे भी होता है, जिसमें आपको सुविधाजनक लगे उसमें आप करें। चलिए, आह
आपको कई राउंड आपको करना होगा। चलिए मैं वन बार एक बार और आपको होल्ड करके बता रही हूं। इस प्रकार से नाभि को देखेंगे, ऐसे ऐसे हमने नाभि को देखा, सांस को होल्ड किया, रिलैक्स। ये सिंह गर्जना आपके लिए, मैं इन जंगलों के बीच आके आपको ये वीडियो बना रही हूं ताकि आप इसका लाभ उठाएं और स्वस्थ रहें और घर बैठे अपने फैमिली के साथ करें और आनंद उठाएं और बच्चों को भी आप कराएं। जिन बच्चों को प्रॉब्लम है उन्हें तो जरूर कराएं, जिन्हें प्रॉब्लम नहीं है उन्हें भी आप कराएं और खुद भी करें। देखिए आपके श्वसन संबंधी सारी बीमारियां आपसे दूर भागेंगी, आप निरोग रहेंगे और आपके शरीर की निरोगी काया बनेगी। आपको ये मेरा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।